नमस्कार दोस्तों, मैं वाजिद आपके सामने एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल मार्शल टेक पे। ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है और नीचे गिरना बहुत आसान है। कहते कि इंसान किसी की नज़रों में इज्जत बनाते हुए पूरे टाइम निकल जाता है और जब नज़रों से नीचे गिरता है तो एक सेकंड भी नहीं लगता। तो मेरा कहने का मतलब यह है, शहनाज़ गिल जी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करती हुई आई है। मैं आपको उनकी ऐसी क्लिप दिखाता हूँ, ऐसी वीडियो दिखाता हूँ कि आप भी कहोगे वाकई में शहनाज़ जी ने बहुत मेहनत करी है अपने इस मकाम को हासिल करने के लिए और अब भी बहुत मेहनत कर रही हैं शहनाज़ गिल जी। तो ऐसी मेहनत कर रही है शहनाज़ गिल जी के स्टेज पे खड़े होकर किस तरह से गाना गाती हुई नज़र आ रही है। क्राउड आप देख लीजिए, कितना कम क्राउड है, फिर भी हिम्मत और हौसले से पंजाब के अंदर से कैसे निकलती हुई आई। और जबकि उनके पापा का नाम कितना था, फिर भी उन्होंने अपने पापा का नाम का सहारा नहीं लिया और अपनी लाइफ में अपना भी अलग स्टैंडिंग करती भी आई और किस तरीके से लोग बाबों के सामने दिल लुभाती भी आई कि मुझे कुछ करना है, मुझे पापा को कुछ करके दिखाना है। और आज इस मकाम में पहुंच गए कि पूरी कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर उनको उनके नाम से जाना चाहता है। और यहाँ तक कि अगर कुछ बात भी हो जाती है तो सोशल मीडिया में यही बात होती है कि शहनाज़ जी के पापा की कुछ अपडेट दीजिए, शहनाज़ जी के पापा को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बात सच बात है यार। बाप को औलाद के नाम से जाना जाता है वो एक चीज़ अलग है, लेकिन औलाद जब इतनी बड़ी हो जाती है और अपने पैरों में स्टैंडिंग देती है और उसके नाम से पेरेंट्स को जाना जाता है तो ये बहुत गर्व की बात है। तो देखा आपने शहनाज़ गिल जी ने अपनी लाइफ के अंदर कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल करा है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मार्शल टेक को।